एक कार्यक्रम में शिरकत करने कानपुर जा रहे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सदर विधायक पंकज गुप्ता की अगुवाई में उन्नाव के मरहला चौराहे पर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। अपने कार्यकाल में हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। गन्ने का मूल्य बढ़ाने के साथ ही पूर्व की सरकारों के 1,41,000 करोड़ बकाए का भुगतान किया गया है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। जनता जिस उम्मीद से भाजपा की ओर देख रही है उससे ये साफ है इस बार बहुमत के रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे। चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रियों का निधन कोरोना के चलते हो गया था, विस्तार के जरिए उन्हीं पदों को भरा गया है। गेहूं और धान के क्रैकर जैसे लगे हैं। शिक्षा में व्यापक सुधार और नकल के खिलाफ एक अभियान चला है। नकल में ही परेशानी भी है। मैं समझता हूं कि प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में काम हुए हैं। आज लोग इसीलिए आशा के निकाल से विस्तार हमारे कोरोना के दौरान नहीं थे, उनका अच्छा है और अच्छा काम हो और अधिक के साथ जनता का लाभ हो सके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।